ईद की अच्छी तैयारियों में लगे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधाएं लोगों को दी जा सकती हैं उसका प्रबंध कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले हैं। तो मैं ईद की मुबारकबाद तो लोगों को देता ही हूं, लेकिन इस बात के लिए भी कहता हूं कि वो बिला खौफ और बहुत अच्छे माहौल में शांतिपूर्वक ईद मनाएं। अभी हाल में आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, उनके पूरे भाषण का लबोलुआब ये था कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को गले से लगाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को एक ट्रीट करना चाहते हैं। और उनके जहन में बहुत सारी चीज़ें यहाँ के लोगों के लिए हैं, भर्तियाँ खुलने वाली हैं, हमारी सरकार में बच्चों को नौकरियाँ देने की बात है, यहाँ दाखिलों में हम डोमिसाइल का प्रबंध करेंगे, यहाँ के नागरिकों को और बच्चों को किसी किस्म की दिक्कत ना हो, इसका प्रबंध करना हमारी जिम्मेवारी है। हम ईद से पहले आज भी कुछ और कोशिश कर रहे हैं, कुछ ढील दें और जो लोग निकले उनको कोई कठिनाई नहीं होने देंगे, और कल और ज़्यादा ढील देंगे और बिल्कुल नॉर्मल ईद यहाँ मने, ये हमारा प्रयास होगा।